गीत गाते गाते गल जा खाना खाए के बैठली अब करा दर्द भइल ला दर्द होकला के बाद में फिर मृत्यु भइल 10 मिनट में पूरा मेहरारू खाना पुरसा रहे बस सब कोई रहे मान लगे 10 15 मेहरारू छु सब कोई गोल लागत नहीं समाचार बटुए रोहतास से एकरा के कुदरत के कहर जाए कहल जाए या नाबालिग बच्चन के बदकिस्मती कहल जाए। खबर सब बताई भोजपुरिया समाचार, सब देखाई भोजपुरिया समाचार, बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तभी सब्सक्राइब करी। रिपोर्टर बानी मोहम्मद शमशाद आलम जी, खबर के विस्तार से जानी। 10 साल के दरमियान माई बाबू के मुआला के बाद 4 गो नाबालिग लड़का अनाथ हो गईलन। बाप के मुआला के बाद रोवत बिलखत नाबालिग लड़कन के केहू तरह माई अनीता कुंवर पालन पोषण मजदूरी क के 4 बच्चन के पालत रही। तब यह समाज के लोग से उनकर मजबूरी ना देखल गईल तो समाज यह माई अनीता कुंवर के मध्य विद्यालय हमीदपुर में रसोईया के काम में लगा दिहली, जौना से वो अपन लैकन के पालन पोषण करत रही। आज उनकर भी आकस्मिक जान चली गईल। वो अपन 4 गो नन्हा मुन्ना नाबालिग लैकन के छोड़ के चल बसली। माई के मुआला के बाद कुछ भी नहीं खे लोग लड़का खात पियत। 4 नाबालिग लड़का में 2 गो पुत्र पुत्री बाड़ो। सबसे बड़ पुत्र के उम्र 15 साल और सबसे छोट पुत्र के उम्र 10 साल बटुए। जानकारी के अनुसार आज से 10 साल पहले कोनो बीमारी 4 बच्चन से बाप छीन लिहलस, फिर आज यह 4 बच्चन के सर के ऊपर से माई के साया भी उठ गई। ई कोनो कहानी ना बल्कि रोहतास जिला के करहगर प्रखंड क्षेत्र के अररुआ पंचायत के हमीदपुर गांव के साँच घटना है, जहां 10 साल के अंतराल में माई बाबू के मुआला के बाद 4 भाई बहन अनाथ हो गईलन। 4 भाई बहन में सबसे बड़ 15 वर्षीय गुंजन कुमार, माझिल बेटी 14 वर्षीय निभा कुमारी, तीसरका बेटी 12 वर्षीय विभा कुमारी या छोट बेटा 10 वर्षीय संजीत कुमार बाड़न। ऐसन में रसोईया अनीता कुंवर पे अपन 4 बच्चा के परवरिश के जिम्मा आ गए रहे, लेकिन वही जिम्मेवारी के कैसे उठा पावत रही ईश्वरे के पता रहे। जब तक माई बाप रहन हंसत खेलत अपन जिंदगी गुजारत रहे लोग। बाप के मुआला के बाद माई परवरिश कैली, अब माइयो है दुनिया से चल गईली। लैकन के गहरा सदमा लागल बा। अब कैसे हुई परवरिश? अररुआ पंचायत के हमीरपुर निवासी अनीता कुंवर उनकर पति कुंदन चंद्रवती गुनिका के मुआला के बाद गुंजन आ 3 गो भाई बहन पूरी तरह बेसहारा हो गई बा लोग। ऐसन में सवाल खड़ा होता कि 4 भाई बहन के परवरिश कैसे हुई के करी, काहे से कि गरीबी के बीच जिए वाला 4 भाई बहन के संभाली। मुए वाला घर के माली हालत खराब बा। हालांकि मासूम भाई बहन के ऐसन हालत में देखकर गांव में चर्चा बनल बा। जौना दिन माई के मौत भइल वही दिन तक 4 भाई बहन खाना नहीं खल्लो खात। कौनो तरह पड़ोसी आनकर बड़ पापा समझा बुझा के खाना खियलन। रही रही के अपन माई बाबू के याद क के लैका रोए लागतार। मासूम के देख के सबके आँख में पानी भर जा रहल बा। वही जे बच्चा अपन रसोई घर में जाता रन माई के याद क के 4 भाई बहन बैठ के रोत। तबियत कुछ ना खराब रहे, ऑटोमेटिक पीठ में दर्द भइल और 5 मिनट में उनकर मृत्यु हो। वो क्या करत रही? जैसे कि बगल में अपना जैसे कि गीत गावत रही, आ गीत गावते गावते गल जा खाना खाए, खाना खाए के बैठली अब करा दर्द भइल ला दर्द होकला के बाद में फिर मृत्यु भइल 10 मिनट में। पूरा मेहरारू खाना पुरसा रहे बस सब कोई रहे मान लगे 10-15 मेहरारू छु सब कोई उजे रहे। कहाँ काम करत रही? हमीरपुर प्राथमिक विद्यालय हमीरपुर स्कूल में रसोईया रही। तार नाम? हमार लड्डू कुमार चंद्रवंशी पड़ी। कहाँ घर? अरारू हमीरपुर। ये घटना कैसे घटा? ये मैं रात्रि करीब 10 बजे तक ये लोग बगले में कोई संजय चंद्रवंशी की लड़की को देखने आए थे, उन्हीं के घर ये गई थी गीत गाने के लिए। सब गीत सब खत्म हुआ इसके बाद इन लोग का खाना परोसा गया खाने के लिए। तब तक अभी तो खाना निकाल ही गया तभी तक इनका एक बाइक पीठ में दर्द हुआ
छाती, इसके बाद दर्द पूरा एकदम शरीर में फैल गया, इसके बाद इनका वहीं पर मौत हो गया फिर, और यही बात है। कहाँ काम करती थी ये? तो काम करते हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय हमीरपुर पर, रसोईया हैं, और इनके पहले से भी पति गुजर चुके हैं, इनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि वहीं इन लोग का जीविकोपार्जन थे। आपका नाम? मेरा नाम रवि कुमार गुप्ता, हमीरपुर वार्ड प्रतिनिधि।